नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडिशन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो मेरे हाथ में टेबलेट है, आज हम इस टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इसके साल्ट नेम के, इसके ब्रांड नेम के बारे में, इसके मेन यूज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके डोज के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को, दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो मेरे हाथ में टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने नाम रखा है रिफा फास्ट दोस्तों नाम रखा है दोस्तों। ये अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता, इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों ये जैनिक में भी आती है, इथिकल में भी आती है दोस्तों। और दोस्तों घटिया अच्छी, मतलब जैसे घटिया दवाई के बारे में, अच्छी दवाई के बारे में तो कंपनी डिपेंड करती है कि कौन सी कंपनी कैसी है। और दवाई के बारे में मतलब जानकारी के इथिकल या जैनिक है, तो वो चीज़ दोस्तों आप कंपनी के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो साल्ट है, इसके अंदर जो कंटेंट्स है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। रिफाफैक्सिम इसके अंदर दोस्तों साल्ट है। तो दोस्तों मैं इसका एक बार ब्रांड नेम बता देता हूँ आपको, रिफा स्टाप। ये अपने मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है। चलिए दोस्तों इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, रिफाफैक्सिम इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रिफाफैक्सिम ये जैसे कि आंतों से संबंधित बीमारी को सही करता है दोस्तों। जिस जो भी आंतों की मतलब बीमारी होती है, इस्तेमाल छोटी आंत में या बड़ी आंत में, तो दोस्तों ये आंतों की जितने भी रोग होते हैं उसको ठीक करता है। बता देता हूँ दोस्तों कि किस किस चीज़ में ये यूज़ ले जाती है मेन यूज़ इसके। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ होता है दस्त में, या खून वाली दस्त लग जाए उसमें इसका मेन यूज़ होता है। एबिटेबल माउथ सिंड्रोम इसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या ट्रेवल डायरिया जिसे बोल देते हैं दोस्तों, फूड पॉइजनिंग, यानी जैसे हम बाहर का जैसे सफ़र में खाना खा लेते हैं, समोसा वगैरह वगैरह कुछ भी मतलब ख़राब खाना, तो उससे हमारे पेट में खराबी हो जाती है और दस्त लग जाती है। तो इस चीज़ में भी ये काफ़ी अच्छी टेबलेट है, मतलब दस्तों को एकदम रोकती है, पेट की आंत को एकदम मतलब ठीक कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, ये आंतों से संबंधित बीमारी के लिए टेबलेट बनाई गई है। चलिए दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो इसके जो नुकसान होते हैं, जैसे सिर दर्द या चक्कर आना या बुखार आना या लाल चकदे पड़ना या दर्द होना पेट में या वार्टिगो या मतली उल्टी आना, घबराहट होना, तो दोस्तों इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको कोई भी इस टेबलेट को लेने के बाद में साइड इफ़ेक्ट दिखे तो दोस्तों इसे अपनी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि दोस्तों ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही टेबलेट ली जाती है जब डॉक्टर इसको लिखता है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे काम करती है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ रिफाफैक्सिम की। दोस्तों रिफाफैक्सिम का इस्तेमाल संक्रमित डायरिया, दस्त लगना और हेपेटिक इन्फोसेलोपैथी में किया जाता है। इसका इस्तेमाल व्यस्कों और बच्चों 2 साल से अधिक उम्र के में होने वाले संक्रमित दस्त डायरिया के इलाज में किया जाता है दोस्तों। तो इसकी ई डोज होती है, ये बड़ों के लिए भी यूज़ होती है दोस्तों। मतलब जैसे कि 200 में आती है ये, 500 में आती है, 250 में आती है, तो इसकी मिलीग्राम के हिसाब से टेबलेट ये आती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सिर्फ इसका मेन यूज़ आपको बता देता हूँ। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक डोज बता देता हूँ इसकी, कि दोस्तों डोज क्या होती है। दोस्तों इसकी डोज जो होती है ज़्यादातर सुबह शाम होती है दोस्तों। और अगर आपकी मतलब दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो आप एक टाइम भी ले सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैं इसका मेन यूज़ बता रहा हूँ आपको कि मेन यूज़ इसका क्या है। जैसे कि दोस्तों किसी को दस्त लग जाते हैं उसके लिए अच्छा है, या दस्त स्टूल के साथ में खून आ जाता है लैट्रीन के साथ में, या सफ़ेद सफ़ेद सी आव सी आ जाती है बलगम सी, तो उसके लिए भी अच्छा है लैट्रीन के लिए दोस्तों। और ये पेचिस को भी रोक देता है, दस्तों को एकदम रोक देता है दोस्तों। जैसे हम बाहर का गंदा खाना मतलब ख़राब खाना खा लेते हैं तो उससे हमें लग जाता है दस्त, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि ये कुल मिला के हाथों से संबंधित सभी बीमारियों को ठीक करती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।